रोटी में 20 डेज से खा रहा हूँ मैं, 20 अभी भी रोटी नहीं। फिलहाल आदिलाबाद में, और ये आदिलाबाद से मेरा ट्रेन है हावड़ा जाने के लिए। मैं कल राजकोट से आज सुबह में उधर गया था नांदेड़ में, नांदेड़ से मैं आया आदिलाबाद, और आदिलाबाद से आज शाम में मेरा ट्रेन है। और इधर से हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 350 किलोमीटर। और ये सामने जो रोड आपको दिखा है ना, यही रोड जाएगा हैदराबाद इस तरफ सीधा। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ आदिलाबाद में, दो पार्टी है मेरा, वो पार्टी विजिट करने के लिए, क्योंकि उसको मैं मैसेज करा भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। और गाइस मैं अभी जिस होटल में रह रहा हूँ ना, ये होटल में 2 महीने पहले भी मैं रह के गया था, तो उस टाइम उन्होंने 350 रुपीज़ किराया चार्ज किया था, और इस बार 300 रुपीज़, मतलब गए बार में मेरे से 50 रुपये ज़्यादा लिया गया है। और लास्ट टाइम भी मैं आदिलाबाद से गया था हैदराबाद तक, क्योंकि मैं एक ट्रेन पकड़ के आया था हावड़ा से सीधा आदिलाबाद, और आदिलाबाद से दूसरा ट्रेन पकड़ के गया था हैदराबाद। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ ऐसा एरिया के अंदर से, मतलब मान लीजिए मार्केट एरिया कुछ, और मैं जा रहा हूँ एक डॉक्टर विजिट करने के लिए, क्योंकि पहले जो उनका एड्रेस था ना वो कुछ चेंज हो गया था, और अभी दूसरा जगह में उनका क्लिनिक आ गया, तो इसलिए सुबह में उनको पूछा भाई आपका एड्रेस बता दो, उन्होंने एड्रेस दे दिया, और मैं जा रहा हूँ वही एड्रेस देख के उनका क्लिनिक पे। कुछ ऐसा एरिया आपको देखिए, देखिए काइंड ऑफ मार्केट एरिया। और गाइस इस बार गुजरात में अच्छा काम हुआ, मतलब मैं नया जगह पे गया था जूनागढ़, जूनागढ़ से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आया, नेक्स्ट टाइम उधर विजिट करना पड़ेगा अगर कुछ ऑर्डर के लिए। और इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स नया नया मेरे को मिले, जैसा मान लीजिए सुरेंद्रनगर उधर से भी बहुत सारे डॉक्टर्स मिल गया था, नेक्स्ट टाइम विजिट करना चाहिए उनसे, देखना है ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। तो गाइस मैं फिलहाल जा रहा हूँ दूसरा रोड से, मतलब एक सीधा रोड भी है उधर से मैं नहीं जा रहा हूँ, गूगल मैप देख के दूसरा रोड से मैं जा रहा हूँ। और फिलहाल मैं आ गया तेलंगाना के अंदर, इधर खाने पीने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात में जितना दिन था ना पूरे रोटी के ऊपर चला, रोटी यार रोटी क्या पूछो। और इधर भी कुछ ऐसा देखिए रोड वगैरह बहुत अच्छा दिखेगा। तो फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ कुछ ऐसा आगे की तरफ इस तरफ, और उनका क्लिनिक जो है ना चेंज कर दिए, पहले इधर नहीं था दूसरी जगह पर चेंज कर दिए। और मैं आदिलाबाद में आके आज के आ गया, जो कपड़ा पहन के मैं राजकोट में काम किया था ना वो पूरे धो डाला, मतलब मैं धो दिया, और अगर आज बारिश गिरा तो पूरा सत्यानाश, मेरे को वही गीला कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। और गाइस देखिए कुछ सड़कें इधर आदिलाबाद बन गया, ये पहले नहीं था, मतलब कोरोना के पहले नहीं था ये। तो गाइस फिलहाल दो पार्टी को विजिट किया और विजिट हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ मार्केट एरिया के अंदर से, और अभी मैं जा रहा हूँ मैं लॉज में, इधर मेरा पहले से दो पार्टी था उनको मैं विजिट किया, एक बस छोटा अमाउंट था वो भी उन्होंने दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा जो पार्टी है ना पूरा उनका एज हो गया, उन्हें भी रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बैठ रहा, तो उनका जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा ना उन्होंने मेरे को मैसेज करेगा नहीं तो फ़ोन करेगा, तो हम लोग वही हिसाब से हैदराबाद से भेज देते हैं। और देखिए कुछ ऐसा एरिया आपको दिखेगा, बारिश हुआ आपको लगेगा ही नहीं बारिश हुआ, मतलब मैं डॉक्टर को पूछा था सर बारिश बहुत हुआ, उन्होंने बोल रहा बहुत दिनों से बारिश हुआ, 3-4 दिन से पता नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत धूप बहुत ही है। और ये जो सामने सर्कल है ना, ये सर्कल का नाम मान लीजिए अम्बेडकर सर्कल, बहुत अच्छा है ये सर्कल, इस सर्कल से सीधा जाना पड़ेगा, मतलब तेलंगाना के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट पहले से बहुत डेवलप हो गया, मान लीजिए मंचिरियाल निजामबाद करीमनगर कौन सा भी पूरा अच्छा हो गया। और देखिए ये रोड के ऊपर भी ट्रैफिक हो जा रहा, क्योंकि रोड के दो साइड में देखिए पूरे गाड़ी लोगों ने पार्क करके रख दिए, तो इसलिए अब बीच में से जो भी जा रहा है ना थोड़ा लेट करके जा रहा। और फिर ऊपर देखिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक प्लेन, ये मेरा लॉज है, अभी जो दिखा ना वो मेरा लॉज है, मैं वही लॉज में रह रहा हूँ। और अभी कुछ खाना खाने का है, कुछ होटल बाजू में है उधर मैं जाऊँगा कुछ खाना खाने के लिए। और देख लीजिए खाने में कुछ ऐसा है, दाल राइस कुछ ऐसा पापड़ वगैरह। तो फिलहाल गाइस हो गया खाना, और आज क्या है ना वो होटल बंद था, आज मंडे तो होटल बंद रहता है, कुछ काम के लिए होटल खुला पड़ा है, तो इसलिए शायद खाना मिल गया। और बहुत दिनों के बाद राइस खाया, मतलब मान लीजिए 20 डेज के बाद, क्योंकि जितने दिन गुजरात में था ना पूरा रोटी चल रहा था, कंटिन्यू रोटी ओनली सूरत बड़ौदा छोड़ के, क्योंकि सूरत बड़ौदा में जो है ना
आपको थोड़ा राइस मिलेगा, मतलब अनलिमिटेड थाली के अंदर। और जैसे ही मैं अहमदाबाद राजकोट के तरफ गया, अनलिमिटेड थाली नहीं है, है लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 200 रुपये 250 रुपये उसका कॉस्ट है। और उस पर रोटी आप कितना चाहे ले लो, मतलब और राइस तो आपको थोड़ा ही मिलेगा। फिलहाल देख लीजिए मेरा लॉज, और इधर बाजू में आपको SBI बैंक दिखेगा। और ये लॉज का किराया ओनली 300 रुपीज़। अभी कुछ ऑफिस का वर्क है तो मैं करूँगा, और शाम के टाइम में मेरा ट्रेन है कलकत्ता जाने का। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ रूम के अंदर, अभी देखना है कपड़ा सूखा या नहीं सूखा। तो गाइस फिलहाल देखिए मेरा कपड़ा सूख गया, अच्छा हुआ। और अगर मौसम थोड़ा बदल जाते ना तो ये कपड़ा आज नहीं सूखता, और मेरे को ऐसा एक अच्छा कपड़ा पैक करके लेके जाना पड़ता मेरे घर तक। अच्छा हुआ कपड़ा सूख गया, ओनली इतना ही था, दो तीन था। और ये देखिए मैं जो रूम में रह रहा हूँ ना, ये रूम एक सिंगल रूम है, एक बेड आपको दिखेगा, इधर कुछ कपड़ा मैं टांग के रखा, ये मेरा सामान पड़ा है, और इधर मेरा वर्किंग बैग है। और इसका जो बाथरूम है ना, मतलब नहाने का जगह वॉशरूम, ये बाजू में है, मतलब सेपरेटिंग नहीं है, इसलिए इसका रेंट कम है, मतलब 300 रुपीज़। अगर इसके साथ अटैच बाथरूम या कुछ रहता तो इसका रेट और भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो फिलहाल गाइस गुड इवनिंग, मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, और आज आधा दिन मैं आदिलाबाद में बिता दिया, एक छोटा मोटा कलेक्शन था वो भी हो गया। और अभी ट्रेन पकड़ना है क्योंकि अभी ये मेरे को जाना है हावड़ा, मतलब सप्तरासी मान लीजिए। तो फिर मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है ना मेरे ख्याल से थोड़ा पहले आ जाएगा। और इधर टाइमिंग ट्रेन का 7:30 PM शाम के, तो ही कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ स्टेशन के तरफ। और मेरे पास सामान अस्त्र ज़्यादा बढ़ गया, मतलब एक थैला जो है ना मैं बढ़ा दिया, इसमें थोड़ा मैं खाने का सामान ले लिया था बाहर से। तो फिलहाल आ गए रेलवे स्टेशन के अंदर, देखिए इधर एक आपको इंडियन फ्लैग दिखेगा, और सामने आपको दिखेगा आदिलाबाद रेलवे स्टेशन। और ये आदिलाबाद रेलवे स्टेशन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, इसका डिवीजन भी सिकंदराबाद, और इसका स्टेशन कोड ADB। तो चलिए जी फिलहाल आ गए स्टेशन के अंदर, अभी ट्रेन आने वाला है। और अभी देखिए बादल भी थोड़ा अलग हो गया, मतलब मौसम बदलने वाला है, बारिश आने वाला है। और ठीक ठाक गया आज का दिन, मतलब आदिलाबाद में आधा दिन कुछ मैं पेपर वर्क किया, कंपनी का जो थोड़ा काम बाकी था वो भी कर दिया, और अभी ट्रेन आने वाला है। इस बार तो मैं हैदराबाद नहीं जा रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, और फैमिली के साथ मस्त एंजॉय कीजिए। और एक बार देख लीजिए आदिलाबाद प्लेटफॉर्म, इधर आपको 3 प्लेटफॉर्म दिखेगा, इधर 1 नंबर 2 3 थोड़ा उस तरफ।